सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हमारे जो पहली टेक न्यूज है आज के, वो है आधार कार्ड को लेकर। केरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो वो नौकरी में नहीं आ पाएगा, यानी कि उसका अटेंडेंस बंद हो जाएगा और उसका सैलरी भी बंद हो जाएगा। यानी कि अभी तक केरल में ऐसा कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इतना साल हो गया आधार कार्ड आया, लगभग इंडिया में हर एक को आधार कार्ड होना ही चाहिए, अभी तक ऐसा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा क्या जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा? तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं आज और क्या क्या टेक न्यूज़। दोस्तों, ये दूसरा जो न्यूज़ है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि व्हाट्सएप को लेकर अभी तक जो है, आप जो भी व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया वो ज़रूर अपडेट कर लो, क्योंकि 10 मई को एक अपडेट आया है, उसको अपडेट करना ज़रूरी है। ये एक्चुअली सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि व्हाट्सएप में मैलवेयर अटैक हो गया है और इसके लिए क्या है, कुछ बग्स मिल रहा है उसके थ्रू, मैलवेयर अटैक हो रहा है व्हाट्सएप में। अगर अटैक हो गया तो आपके मोबाइल में हाहाकार मच जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल में कोई भी डिटेल्स नहीं रहेगा, आपके मोबाइल लॉक भी हो सकते हैं, मतलब आपके जो मोबाइल हर टाइम काम करने के लिए लगते हैं आपके, वो मोबाइल आपके काम का और नहीं रहेगा। इसीलिए जो भी हो, अभी तक व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किए हो, ज़रूर अपडेट कर लो, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। दोस्तों, लिनोवो ने एक प्रोटोटाइप दिखा दिया है उसके लैपटॉप को लेकर। आज तक हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ ही दिन हुआ है मोबाइल में क्या आया था, फोल्डेबल मोबाइल आया था, उसका कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है, बंद भी हो गया, कुछ 3-4 कंपनी फोल्डेबल फ़ोन ला रहा है। अभी दिखाई दे रहे लिनोवो एक प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है, दिखा दिया है, उसमें क्या है, एक फोल्डेबल लैपटॉप, यानी कि 2020 या 21 में हम लोग लैपटॉप भी देख पाएंगे फोल्डेबल, और देखने में बहुत ही सुंदर है और उसका काम भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब लैपटॉप पूरा ही अगर फोल्डेबल होगा, पूरा ही अगर स्क्रीन होगा तो बहुत ही मज़ा आएगा इस्तेमाल करने को। और ये कुछ 2020 या 21-22 तक आ जाएगा, क्योंकि जब कोई प्रोटोटाइप दिखा देता है उसका 1-2 या 3 सालों के अंदर ही वो चीज़ आ जाता है, और ये काम लगता है लिनोवो ही पहले करे। दोस्तों, शाओमी जब लॉन्च हुआ था इंडिया में तब कुछ फ़ोन और भी था, और चाइना के और एक ब्रांड था, बहुत ही अच्छा ब्रांड था, वो था कूलपैड। कूलपैड बहुत दिनों से हो गया है, कुछ भी अभी तक फ़ोन लॉन्च नहीं किया है, और एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है, उसका कुछ अनाउंस भी कर दिया है, कूलपैड लीगेसी नाम का। तो इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन अच्छा है, इस फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 455 प्रोसेसर है, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज है, इसका 4000mAh बैटरी है, इसका जो कैमरा है 16+5MP रियर कैमरा और 13MP का फ्रंट कैमरा है। देखा जाए तो क्वालिटी अच्छा ही है, और इसका प्राइस कुछ रहेगा 9000 रुपीज़, यानी कि अगर प्राइस के साथ देखा जाए तो फ़ोन अच्छा ही होगा। अभी ये इंडिया में आता है क्या नहीं आता है ये देखना है। तो आप लोग कौन कौन कूलपैड के फ़ोन इस्तेमाल किया ज़रूर कमेंट करके बताना। एक्चुअली कूलपैड जब एक टाइम आया था बहुत ही अच्छा मार्केट भी लिया था, मगर बीच में उसका स्पेसिफिकेशन सही नहीं हुआ और वो गायब हो गया, वो दिखा ही नहीं देते। अभी ज़्यादातर कम प्राइस का कूलपैड फ़ोन कुछ आता है, उसके ज़्यादा जो 3GB 32GB वेरियंट का या अच्छे प्रोसेसर वाला फ़ोन नहीं आता है, तो ये फ़ोन आने वाला है। अभी देखना है ये इंडिया में आता है क्या नहीं आता है। तो दोस्तों, क्या लग रहा है आपको, इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, Xiaomi के दो फ़ोन आने वाला है, सबको मालूम है फ्लैगशिप फ़ोन आने वाला है, तो उसका नाम लेकर कुछ कन्फ्यूजन था, अभी उसका नाम एक्चुअली आ गया है। उसका जो नाम हो रहा है वो है K20 और एक हो रहा है K20 Pro, क्योंकि Xiaomi के जो GM है लू बिबिंग, उसने ये नाम बता दिया है, और के क्यों, इसका के यानी कि किलर फोन, इसीलिए ये के सीरीज हुआ है या के लिखा हुआ है K20। और इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही अच्छा होगा, तो एक चीज़ देखना है, ये जो K20 है वो एक्चुअली फ्लैगशिप में आएगा या मिड रेंज में आएगा, मगर K20 Pro जो होगा वो एकदम फ्लैगशिप लेवल का ही फ़ोन होगा। अभी देखना है ये जो K20 आ रहा है, ये क्या Realme X के साथ कम्पीट करने के लिए आएगा क्या, तो ये दोनों फ़ोन ही इंडिया में भी लॉन्च होगा, क्योंकि एक्चुअली Redmi फ़ोन आया था इंडिया के लिए और ये भी Redmi का फ्लैगशिप है, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा, तो कुछ दिन वेट करो और एक हफ्ते के अंदर ही इस फ़ोन के डिटेल्स भी आ जाएगा। अगर ये फ़ोन इंडिया में कब लॉन्च होगा एक हफ्ते के अंदर ही आप लोगों को भी पता चल जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर न्यूज़ अच्छा लगे तो एक लाइक करना और कमेंट जरूर करना आपको ये टेक न्यूज़ कैसे लगता है। और जो दोस्तों नए देख रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग डेली टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो दो लाता हूँ, एक सुबह और एक शाम और एक आने वाला है। तीनों वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे, वो एक है मनी अर्निंग ऐप को लेकर जो कुछ 11 बजे आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहो, जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी हर एक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। दोस्तों फिलहाल आज के लिए टेक न्यूज़ इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।